गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंसार किशोर फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट। इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड इन स्टैंडर्ड 10 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। नाउ इन सेम लेसन देर आर टू स्मॉल पोएम्स। द फर्स्ट पोएम्स नेम Dust of Snow and second is Fire and Ice. This both the poem is written by Robert Frost. So we will start the poem 1. Dust of Snow. Dust yani kachra. Snow yani barf, ice. So yahan par dust of snow ka meaning lena hai jahan par bahut sara snow girta hai. Okay? तो उसको डस्ट के साथ कंपेयर किया है। ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पर बर्फ़ का ढगला, ये हमको समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो, क्रो यानी कौवा, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर इस तरह से बात है कि ये जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी एक ब्रांच पर एक क्रो फ्लाई करता हुआ आया, एक ब्रांच पर बैठा, और ये स्नो की वजह से उसकी जो बॉडी थी उसमें भी जैसे ये स्नो गिरा था, तो उसने अपने पंख फैलाकर उसके बॉडी में, पंख में जो स्नो था उसको नीचे गिराने के लिए क्या किया, ट्राई किया। ओके, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो जैसे उसने ऐसा किया तो ये पेड़ के नीचे जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे, तो उनके ऊपर क्या गिरा, थोड़ा स्नो पीसेस थोड़े गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक का मीनिंग होता है पॉइजनस प्लांट, एक पॉइजनस प्लांट है विच स्मॉल वाइट फ्लावर्स, में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और ये पॉइजनस यानी बहुत ही जहरीला एक प्लांट है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के। तो ऐसे पेड़ के नीचे ये जो राइटर थे वो खड़े रहे, और जो क्रो है वो फ्लाई करके आया, और उसकी बॉडी पे जो स्नो था उसने अपने पंख फैलाया कि जिसकी वजह से उसके पंख में जो स्नो था वो किसके ऊपर गिरा, वो राइटर के ऊपर गिरा। हैज़ गिवन माई हार्ट, अभी उसकी वजह से जैसे ये क्रो वहाँ पर आया और अपने पंख फैलाए, उसके पंख में जो स्नो था वो राइटर पे गिरा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जैसे ही ये थोड़ा स्नो उसके बॉडी पर उसके ऊपर गिरा तो उसका मूड चेंज हो गया। किसका मूड चेंज हो गया, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो जैसे ही ये थोड़ा स्नो उसकी बॉडी पे गिरा तो उसका मूड चेंज हो गया। अभी चेंज कैसे हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ, देखते आगे। एंड सेव्ड सम पार्ट of a day I had ruined यानी बर्बाद हुए। तो शायद उसके आगे का जो टाइम था जब ये क्रो नहीं आया था, उससे पहले ये जो राइटर थे बहुत ही सैड थे, उदास थे, दुखी थे। क्या रीज़न है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया नहीं है, लेकिन वो बहुत ही दुखी थे। लेकिन जैसे ही भी क्रो वहाँ पर फ्लाई करके आया, अपने पंख फहराए, और उसके ऊपर जो स्नो डस्ट थी वो नीचे पेड़ के नीचे जो राइटर खड़े थे उनके ऊपर पड़ी, तो ऐसे ही उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड इन बचा देना, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइड, और आगे का यानी ये जो दिन था, दिन का आगे का जो टाइम बीत गया, जो बीत गया वो कैसा गया था, सैडनेस में गया था। तो बाकी जो पार्ट था यानी बाकी का जो दिन था वो
अच्छा हो गया, आगे का जो रुइड आगे का जो खराब है वो गया, लेकिन वो बाकी जो दिन बाकी था जो अभी आने वाला था वो टाइम को उसने क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। कैसे अच्छा कर दिया कि उसका मूड जो सैडनेस था, सैडनेस में कैसा हो गया, हैप्पीनेस हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो आई रिपीट द पोयम, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यानी एक पॉइजनस प्लांट है, उसके नीचे ये राइटर खड़े थे, कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वहाँ पर खड़े थे। तो जैसे ही एक क्रो वो ट्री के ब्रांच पर बैठा और उसने अपने पंख लहराए कि जिसकी वजह से उसके ऊपर जो स्नो डस्ट था वो स्नो डस्ट कहाँ पर गिरे, वो राइटर के ऊपर गिरे। और जैसे ही राइटर के ऊपर गिरे तो क्या हुआ कि हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो उसके ऊपर गिरे तो उनका जो मूड था वो पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी कैसे चेंज हो गया कि पहले वो दुखी थे, उसने मॉर्निंग से कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दुख होगा कि जिसकी वजह से उसने वो मॉर्निंग से अभी तक उसने टाइम एकदम दुखी सैडनेस में पास किया था। लेकिन जैसे ही ये क्रो के ऊपर जो डस्ट था, स्नो डस्ट उस पर गिरा, तो उनका मूड चेंज हो गया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रुइड। और जो दिन बर्बाद हो गया था लेकिन उसके अलावा जो दिन बाकी था वो दिन जैसे उसका कैसा हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि उसका मूड सैड में से अभी हैप्पीनेस में चेंज हो गया कि जिसकी वजह से जो बाकी का दिन था वो उसका क्या हो गया, बच गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू लर्न दिस पोएम एंड इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड यू टू लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न इन बेटर वे। ओके, सो राइटर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो इसके जो पोएम कंप्लीट है उसके साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो होमवर्क की पीडीएफ देख लेना और वो होमवर्क कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।